नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के एटा थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली सफलता। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा धारा 323, 504, 506, 376 भारतीय दंड विधान में वांछित चल रहे एक अभियुक्त गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा उदय शंकर सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक एटा धनंजय सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वांछित चल रहे एक अभियुक्त अमित पुत्र जयवीर सिंह निवासी रानी अवंतीबाई नगर थाना कोतवाली नगर एटा को मुखबिर की सूचना पर उनके घर के पास से अमित पुत्र जयवीर सिंह रानी अवंतीबाई नगर थाना कोतवाली नगर एटा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाला पुलिस बल उप निरीक्षक विजय सिंह, कांस्टेबल 247 समय कुमार था। एटा संवाददाता हरिकेश बघेल की रिपोर्ट। फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, क्या है ये पूरा मामला? थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक अवैध असलाह फैक्ट्री को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। इनके कब्जे से कुल 12 बने अगबने अवैध असलहे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुआ है। उक्त असलहों को बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। जानकारी पर यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्त वर्ष 2020 से जनपद अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क से वांछित चल रहा है। वहां अलीगढ़ में अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर इसने 2020 में इसी प्रकार का काम किया था। वर्तमान में यह कोतवाली देहात क्षेत्र में कुछ यहाँ के लोगों को अवैध असलहा बनाकर सप्लाई करने के उद्देश्य से यह कार्य कर रहा था। इसमें जिन अन्य लोगों को कुछ को अवैध असलहे इसके द्वारा प्रदान किए गए हैं उनके बारे में भी गहराई से छानबीन जारी है। इसके द्वारा जनपद अलीगढ़, जनपद एटा व अन्य आसपास के जनपदों में इस प्रकार के अवैध कृत्य किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके बारे में गहराई से छानबीन जारी है। कप्तान साहब, क्या इन अवैध असलहों का प्रयोग आगामी विधानसभा चुनाव में भी किया जाने की संभावना थी? निश्चित रूप से उसका प्रयोग अवैध रूप से किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिनको इन्होंने सप्लाई कुछ लोगों को किए हैं, जिनके बारे में पुलिस अपना गहराई से अपने आगे की वैधानिक कार्यवाही कर रही है, उनसे पूछताछ के बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आसपास के किन जनपदों में ये सप्लाई करते थे, बाहर भी भेजते थे क्या? आसपास के जनपद, जैसा कि आप जानते हैं, इनका आपराधिक इतिहास, ये मूल रूप से थाना जलेसर क्षेत्र का रहने वाला है। ये घूम घूम कर इस प्रकार से अपनी फैक्ट्री को जंगल की एरिया में जाकर स्थापित करता है। वहाँ पर बना के वहीं स्थानीय लोगों को उनसे कांटेक्ट करके असलाह देने का कार्य करता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये विगत में अलीगढ़ में किराए का मकान लेके रहता रहा, वहाँ भी गिरोह बनाकर इसने यह कार्य किया हुआ है। ये जो अवैध असलाह है उनकी रिपेयरिंग का भी काम करता था क्या? पुराने असलहे खराब होने पर उनकी रिपेयरिंग का भी काम उन्हीं मशीनों के द्वारा इसके द्वारा किया जाता है।